वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है और इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदू धर्म को यह नगर पवित्र माना जाता है। इतिहास के पन्नों में आज भी बनारस को इतिहास से पुराना बताया जाता है। इस वाराणसी जिला का जो मुख्य नदी का नाम है गंगा नदी है। दोस्तों, गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ से 311 किलोमीटर तथा राष्ट्रीय राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 864 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। लगभग 1535 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए इस जिला की जो कुल आबादी है वर्तमान में 42,59,000 है। दोस्तों, 42,59,000 में 22,26,000 पुरुष तथा 20,33,000 महिलाएं मौजूद हैं। दोस्तों, इस जिला की जो मुख्य भाषा है हिंदी तथा थोड़ा बहुत भोजपुरी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर ज़्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट पर UP 65 लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि आप वाराणसी जिला में दाखिल हो चुके हैं। दोस्तों, अगर वाराणसी जिला में जाति धर्म के आधार पर देखा जाए तो 84.52% हिंदू धर्म के लोग, 14.88% मुसलमान धर्म के लोग तथा अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, अगर यातायात की बात करें तो वाराणसी जिला में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग यानी कि ये तीनों मार्गों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बनारस अपने कई सारे पड़ोसी जिलाओं के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है, जिसमें आजमगढ़ जिला, मऊ जिला, प्रयागराज जिला, मिर्जापुर जिला और गाजीपुर जिला है। दोस्तों, बनारस जिला अपने कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ हर रोज़ हजारों सैलानी आते हैं इस जिला की जो खूबसूरती को देखने के लिए। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि वह कौन सा खूबसूरत पर्यटक स्थल है जिसके बिना वाराणसी जिला अधूरी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। नंबर एक पर है काशी विश्वनाथ मंदिर। दोस्तों, अगर आप बनारस जाते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है, क्योंकि यह वह मंदिर है जहाँ 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर हर रोज़ हजारों भक्त आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अगर आप काशी आते हैं तो इस मंदिर में जाना ना भूलें। नंबर दो, रामनगर किला। आप 80 घाट चाहें जब जाएं, पर सिर्फ 80 घाट घूमकर न आएं, बल्कि वहां के नाव वालों के 80 घाट के ठीक सामने गंगा नदी के उस पार स्थित रामनगर किला। 17वीं शताब्दी में यह किला लगभग 400 साल तक वाराणसी राजशाही महल रहा है। इसके अलावा संकट मोचन मंदिर, 80 घाट, सारनाथ, नया विश्वनाथ मंदिर। दोस्तों, इसके अलावा इस वाराणसी जिला में और से भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल है जिसको एक वीडियो में बताना असंभव है। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, वाराणसी जिला 3 तहसीलों में बटा हुआ है, जिसमें बनारस, पिंडरा, राजा तालाब। दोस्तों, इसके अलावा 8 ब्लॉक, 8 विधानसभा, 25 पुलिस स्टेशन और 1695 गांव इस बनारस जिला में शामिल है। तो दोस्तों, आपको यह बनारस जिला की जानकारी कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।